जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज से लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे छात्र कभी भी आंदोलित हो सकते हैं। छात्रों ने कॉलेज में सांकेतिक विरोध करते हुए कॉलेज के प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने बताया कि सत्र में नामांकन से पहले सुनियोजित तरीके से फीस में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। उसके बाद छात्रों ने विरोध शुरू किया। विरोध को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्टाइपन देने की बात कह आंदोलन को खत्म करवा दिया, लेकिन अब तक न तो स्टाइपन मिला और न ही छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है, जिससे छात्र असमंजस में हैं। वर्ष के बाद जब नामांकन प्रारंभ हुआ तो सब उत्साह में सबने नामांकन लिया कि भाई एडमिशन होगा। वो समय अमानवीय तरीके से शुल्क की अप्रत्याशित वृद्धि की गई थी, जिसके कारण बहुत से विद्यार्थियों को नामांकन से वंचित होना पड़ा। उसके बाद भी आज जब एक साल खत्म होने में आ गया, अभी तक जो दो सेमेस्टर खत्म हो जाना चाहिए था उसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ, जिसके कारण से अभी तक दो एग्जाम जो हो जाना चाहिए था पर वो नहीं हुआ। कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से एग्जाम इन लोगों का सेमेस्टर एग्जाम समय पर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन के लिए जून में ही लिख दिया है। यूनिवर्सिटी लगातार बता रही है कि अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन लिख मिल जाए।